अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हज़ारनक सिद्दू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं जी? पालक राजमा बनाएंगे, रेड किडनी बीन्स और पालक। ठीक है, पालक को मैंने हल्का सा बॉईल करके ब्लेंड करके यहाँ रख दिया है। अच्छा, पहले हम क्या बनाएंगे? केक, कॉफ़ी बनाना और चॉकलेट का केक। सो बनानाज यहाँ मैंने छील के रख दिए हैं, कॉफ़ी है और चॉकलेट चिप्स हैं, और ये बहुत मज़े का ऊपर गनाश जाएगा जिसमें भी हम कॉफ़ी डालेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक और एक तिहाई कप मैदा है, एक चौथाई कप कोको पाउडर है, एक टीस्पून बेकिंग सोडा है, एक चौथाई टीस्पून नमक है, एक चौथाई टीस्पून पिसी हुई दालचीनी का पाउडर है, एक टीस्पून कॉफ़ी का पाउडर है, दो अदद अंडे हैं, एक कप चीनी है, आधा कप मक्खन है फीका अनसॉल्टेड, ठीक है जी, और सा क्रीम है। क्रीम के अंदर मुझे लेमन जूस डाल देना है। ये देखें, ये क्रीम के अंदर आप लेमन जूस डाल के इसको आप मिक्स करके रख दीजिएगा, ताकि जब तक हम दूसरा प्रेप करें तब तक ये सा क्रीम थोड़ा सा बन जाए। ठीक है, दो अदद अंडे हैं और मैश करके बनानास डेढ़ कप होने चाहिए, तो तीन चार इस तरह आप ले लीजिएगा। और आधा कप क्रीम में मैंने ये लेमन जूस डाल के सा क्रीम बना लिया है, उसके साथ साथ वनीला एसेंस है और आधा कप चॉकलेट चिप्स हैं। फिर कॉफ़ी का जो गनाश फ्रॉस्टिंग है उसके लिए क्रीम है, मक्खन है, चॉकलेट है और कॉफ़ी पाउडर है, वो हम बस मिक्स करके वो बना के केक जब बन जाएगा उसके ऊपर हम डाल देंगे। सो सबसे पहले वील टेक अ बिगर बोल और उसमें हम ड्राई चीज़ें मिक्स कर देते हैं। डीलक्स सैंडविच मेकर एनेक्स की तरफ से किस किस को जीतना है जल्दी से 8881 पे आप हमें बताएंगे पालक से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। ठीक है, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। सो मैदा चला गया पहले एक बोल में, उसमें हम डालेंगे कोको पाउडर, फिर बेकिंग सोडा जाएगा, फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। ठीक है, ये दालचीनी का पाउडर है, ये जाएगा सिनेमन पाउडर। अच्छा जी, और है यहाँ है हमारे पास कॉफ़ी, सो उसमें बहुत थोड़ा सा पानी जाएगा, तो कॉफ़ी और पानी और वेनिला एसेंस अंडों में। ठीक है, सो ये भी हो गया, लेमन भी हो गया, सारी ड्राई चीज़ें हो गई हैं, बनानास हैं और ये क्रीम के अंदर देखें, ये देखें टेक्सचर देखा आपने, फ़ौरन चेंज हो जाता है। सिरका भी डाल सकते हैं लेकिन आई प्रेफर लेमन जूस बिकॉज वो नेचुरल है। और ये है वेनिला एसेंस अंडे, चॉकलेट चिप्स हैं, चीनी है, मक्खन है, नमक का काम भी हो गया, उसको भी हटा देते हैं, और ये कॉफ़ी है। सो कॉफ़ी को ज़रा घोल देते हैं, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर है, आराम से जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा। चलिए, अब आपने लेना है आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन, थोड़ा सा मैं इसमें से लूंगी बिकॉज दैट वॉज लेस। अच्छा, इसको बीट करेंगे, इसमें सफ़ेद चीनी पिसी हुई डालेंगे, पालक से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताइए, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। एनिक्स की तरफ से गिफ्ट है हमारे शो के, आज हमारे नंबर्स भी चल रहे हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। चीनी अच्छी तरह घुल जाए तब तक मिक्स करिएगा, थोड़ी थोड़ी करके डालते हैं, एकदम से सारी नहीं डाल देते हैं। आप इसको किसी भी टिन में करिए, किसी भी डिश में बेक कीजिए, आज मैं इसको इसमें बेक करूंगी, एक पायरेक्स के डिश में, ठीक है, ताकि ये फैला हुआ हो, जल्दी से केक बन जाए और उसको फिर हम आइस कर सकें। आप लोग इसको कपकेक के केसेस में कर सकते हैं, आप लोग इसको लोफ टिन में कर सकते हैं, फिर स्लाइसेस में काटिएगा, एनीथिंग यू लाइक, कुछ भी। अच्छा, अब मैं इसमें अंडे डालूंगी एक के बाद एक,
अच्छा, जब भी बनाना का केक बनाते हैं मैं हमेशा कहती हूँ कि उसको ओवर मिक्स नहीं करिएगा, थोड़े से बिट्स एंड पीसेस बनाना के मुँह में आने चाहिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, सो वो भी हम डालेंगे। कॉफ़ी डाल देते हैं पहले, और देन वील डू द बनानास। इसी से ब्रेकअप कर देंगे। ठीक है, ये मैदा, बेकिंग सोडा, नमक, दालचीनी का पाउडर और कोको पाउडर, ये सारी चीज़ें चली गई। चॉकलेट चिप्स फोल्ड इन कर दीजिए और क्रीम डाल दीजिए, जिसको हमने सा क्रीम बनाया था अंदर लेमन जूस डालने के बाद। सारी चीज़ें चली गई। अच्छा, अब हम लाएंगे डिश को जिसमें हमें बेक करना है, उसको हम ज़रा ग्रीस कर लेते हैं। ब्रश के साथ आप इसको अच्छी तरह ग्रीस कीजिए, किसी टिन में कर सकते हैं, बंट टिन में कर सकते हैं, व्हाटएवर यू हैव। ठीक है, मेरे पास जो है उसमें मैं कर रही हूँ। दो लोफ टिन्स में कर सकते हैं, एक को बनाइए, एक को फ़ौरन सर्व करिए, दूसरे को फ्रीज़ कर दीजिए, वैसे भी आप कर सकते हैं, देन हैव दैट लेटर ऑन। अब आप दीजिए स्पैचुला और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कीजिए। ठीक है, मैदा डालने के बाद आप बीटर चलाएंगे तो जो भी आप बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। और बनानास आपने देखा, बिल्कुल मैंने मैशअप नहीं किए थे, थोड़े से पीसेस अच्छे से बनाना के मुंह में आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखें, ये हो गया रेडी। सी, कॉफ़ी का भी टेस्ट है, कोको पाउडर भी है, बनानास हैं, बहुत मज़े का केक बनता है। आप ट्राई करिएगा ज़रूर और हमें फीडबैक दीजिएगा। चलिए इसको आप निकालिए, इसमें, और फिर मैं इसको रख दूँगी बेक होने के लिए। ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। अब हम क्या करेंगे, इसका गनाश बनाएंगे। सो चॉकलेट चॉप करके इस तरह आप लीजिएगा, एक से डेढ़ कप जितनी चॉकलेट है, उसमें आप कॉफ़ी डालिएगा। ठीक है, ऐसे भी डाल सकते हैं, अंदर पिघल जाएगी, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर है। और आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा मक्खन और क्रीम। मक्खन बहुत अच्छा ग्लॉस देता है आपके गनाश को। ठीक है, और क्रीम, और ये सारी चीज़ों को हम चूल्हे पर रख देंगे पैन में हल्की आँच पर इसको हम पिघलने के लिए। अच्छा, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हम रीकैप भी कर देते हैं। मैंने एक और एक तिहाई कप यानी 1 1/3 कप मैदा लिया था, उसको छान के ले लीजिएगा। फिर इसमें मैंने 1/4 कप कोको पाउडर डाला था, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला था। जहां सोडा लिखा है तो प्लीज़ बेकिंग पाउडर नहीं डाल दीजिएगा, जो लिखा है वही डालिएगा। ठीक है, फिर 1/4 टीस्पून जितना नमक था, 1/4 टीस्पून जितना पिसी हुई दालचीनी का पाउडर था। वो घर में दालचीनी पीसने नहीं बैठिएगा, दालचीनी का पाउडर मिलता है, प्लीज़ वो यूज़ करिएगा। और अगर आपको नहीं मिले और आपको पीसनी पड़े डायरेक्ट दालचीनी किससे, तो फिर उसको छान लीजिएगा ताकि मुँह में बिट्स एंड पीसेज नहीं आए। 2 अदद अंडे थे, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस था, 1 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी, 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर था, 1 टीस्पून जितना पानी डाल के मैंने घोल दिया था, 1/2 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन था, और 1 से 1.5 कप आप लीजिएगा मैश बनाना। सो 3-4 मैंने लिए थे, और जितने बाहर से काले हो जाते हैं ना, केले के स्किन्स हम कहते हैं, पील्स हम कहते हैं कि बहुत काले हो गए हैं, तो उससे बेस्ट बन जाता है बनाना ब्रेड। ठीक है, और फिर आप उसमें 1/2 कप क्रीम डालिएगा, चंद कतरे उसमें लेमन जूस के डालिएगा, और 1/2 कप चॉकलेट चिप्स थे। सारी चीज़ों को मिक्स करके आप रख दीजिएगा बैटर बना के अवन में, वहाँ मैंने बेक करने रख दिया है। जब बेक हो जाएगा तो स्कूअर डाल के चेक कर लीजिएगा, अगर वो हो गया हो साफ़ निकले तो फिर उसको निकाल
के एक तरफ रखिएगा। बनानास को बहुत ज़्यादा ओवर मैश नहीं करिएगा, इसके बैटर को ओवर बीट नहीं करिएगा, ठीक है। मैदा वगैरह ड्राई चीज़ें डालने के बाद फ़ौरन आप स्पैचुला से ही इसको चलाइएगा, फोल्ड करिएगा, डोंट यूज़ योर बीटर। अच्छा, इसके लिए गनेश फ्रॉस्टिंग के लिए चॉकलेट है, क्रीम है, मक्खन है, जैसे नॉर्मल हम गनेश बनाते हैं। इसमें फ्लेवरिंग मैंने डाली है कॉफ़ी पाउडर की, सो बहुत अच्छा ये मौका फ्रॉस्टिंग बन जाएगा। मौका हम कहते हैं जब हम चॉकलेट और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक कॉलर है जी हैदराबाद से, उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। वो आपने आलमंड केक बनाया था, बहुत अच्छा था। अच्छा जी, थैंक यू। और कुछ? ट्राई करूंगी इंशाल्लाह, वो इजी भी था। जी बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई करिएगा। आज का क्वेश्चन? जी आज का सवाल हमने रखा है कि आपने बताना है पालक से बनने वाले रेसिपीज के नाम। आलू पालक, दाल पालक, गोश्त पालक, बहुत सारी डिशेज में हम बहुत यूज करते हैं पालक को। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, नोट कर दिया है आपका जवाब, बहुत शुक्रिया। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। ओके, ये देखें ये हो गया है, ठीक है। थोड़े से चॉकलेट के पीसेस मुझे लग रहे हैं कि इसमें अभी नहीं हुए हैं, तो बस इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट रेसिपी पे आ जाते हैं। रूम टेम्परेचर पे ठंडा करिएगा, फिर आपको फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रख दीजिए। इसी गणेश को अगर आप कम क्रीम डालेंगे, जितना मैंने लिखा है उससे, दूसरी रेसिपी की मैं बात कर रही हूँ, अगर कम क्रीम डालेंगे इस गनेश में तो आप इसके बहुत अच्छे ट्रफल्स बना सकते हैं, यानी कि हैंड रोल चॉकलेट्स जो होते हैं। सो आपने कम क्रीम डाला, इसी तरह बनाया, ठंडा कर दिया, फ्रिज में रख दिया, फ्लैट डब्बे में रख दीजिएगा। छोटे कुकी स्कूप से, आइसक्रीम स्कूप से आप उसको निकालिए, छोटे छोटे हाथ से बॉल्स बनाइए, हाथों में पहले कोको पाउडर लगाइएगा और फिर कोको पाउडर एक दूसरे बोल में लीजिएगा, उसमें आप रोल कर दीजिएगा तो हैंडमेड चॉकलेट ट्रफल्स बन जाएंगे। उसी को आप डिवाइड कर सकते हैं जैसे चॉकलेट एंड क्रीम को, अलग अलग छोटे बोल्स में, किसी में पेपरमिंट एसेंस डालें, किसी में कॉफ़ी एसेंस, किसी में कुछ, इस तरह कर सकते हैं और बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर के चॉकलेट्स बना सकते हैं इस तरह, ठीक है। सो या, इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। सो फॉर दैट सबसे पहले तेल में हमने प्याज को भूनना है, फ्राई करना है। अच्छा जी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जी? ज़ीरा है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, ड्राई पोमेग्रेनेट सीड्स हैं, ये अनारदाना है, ठीक है, अदरक लहसुन है, टमाटर हैं, ब्लेंड कर दिए हैं, 2 से 3 टमाटर लेके ब्लेंड कर दीजिएगा, प्यूरीड मैंने लिखा है, और धनिया पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, आमचूर यानी खटाई पाउडर यानी ड्राई मैंगो पाउडर है, ठीक है, ज़ीरा पाउडर है और हल्दी है, और ये जो है राजमा, रेड किडनी बीन्स, ये मैं लेती हूँ इसको टिन वाले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, इवन प्रेशर कुकर से भी आप उसको गला नहीं सकते हो। पालक की एक बड़ी गट्ठी ली थी मैंने, और आप देखें इतनी ग्रीन इसलिए है कि अच्छी तरह पानी में धोइएगा, स्टॉक्स इसकी डंडियाँ काट लीजिएगा, उसके बाद आप इस एक पैन में रखिएगा, जिस तरह मैंने उस दिन कैनलोनी कैसे बनाते वक्त पालक को बनाया था आपके सामने, उसको ढक दीजिएगा, पानी नहीं डालिएगा, उसी के पानी में स्टीम में ही पक जाएगी, 2 मिनट बाद निकालिएगा और ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दीजिएगा, सो इस तरह हरा हरा रंग रहेगा। जी लाहौर से एक कॉलर है जी, हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या जी? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप सुनाएं जी। आज की रेसिपी भी आप बहुत अच्छी बना रही हैं, वैसे तो मैं रोज प्रोग्राम देखती हूँ, कोई प्रोग्राम आपका मिस करती नहीं हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखते रहिएगा, रेसिपीज ट्राई करते रहिएगा, झटपट और आसान तरकीब बताती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, थैंक यू सो मच, जल्दी बन जाती हैं, केक तो बहुत मजे का बनाती हैं आप, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। और ये बेकिंग का काम, बेकिंग भी आप इतनी अच्छी और आसान बनाती हैं, जल्दी बन जाती हैं। बेकिंग आसान ही है जी, किसने कहा मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, अगर वाकई आप लगता है कि बेकिंग मुश्किल है, लेकिन आपने बस इतनी आसान बनाती हैं कि बस झटपट तैयार हो जाता है। बिकॉज देखे ना, 1 घंटे के लाइव शो में मुझे आपके सामने स्क्रैच से सब कुछ बनाना पड़ता है, तो आसान तरीके से मैं आपको सिखाती हूँ, बेशक डिफिकल्ट रेसिपी क्यों ना हो, ठीक है जी। मुझे लगता है कि जैसे बेकिंग मुश्किल है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता, नहीं मुश्किल, अब तो मुझे लगता है केक भी आसान हो गया है, अब तो बगैर ओवन के भी बन जाती है ना चीजें, कोई चीज मुश्किल नहीं है, अगर आप
इफ यू सेट योर माइंड टू इट कि हमें करना है, करके रहना है, तो फिर आप मुश्किल चीज भी कर सकेंगे ना। मसाला ने ये चीजें बहुत आसान कर दी है। बिल्कुल ना? सही। आप देखा, हम बच्ची लड़की हर कोई भी सीख गई है। बिल्कुल, अपने घर पे बैठे बैठे कहीं जाना भी नहीं पड़ता है आप लोगों को। जी जी बिल्कुल, इतनी इजी तरह तरह की के साथ आसानी से घर में बन जाता है। केक तो बहुत ही बिल्कुल, जो भी केक बनाना हो ना फौरन बन जाता है। बिल्कुल, थैंक यू। इसी तरह रेसिपीज ट्राई करिएगा, बनाइएगा, और पालक से बनने वाले रेसिपीज के नाम बताइए अगर आप इनेक्स का गिफ्ट जीतना चाहती हैं। जी पालक का जवाब दूंगी मैं आज। पालक के साथ आलू गोश्त, आलू ये गोश्त में भी डाल सकते हैं पालक। पालक के आलू पालक पकन जाता है, पालक के पकौड़े बनते हैं इतने मजे के। बिल्कुल, पालक को ना मतलब किसी तरह से भी अच्छी अच्छी लगती है पालक। ठीक है, बिल्कुल जी, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। चलिए जब तक प्याज यहाँ हो रहा है, थोड़ा सा हम लहसुन भी डाल के इसको भून लेते हैं। आप लोग जाइए एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, मगर देखते रहिए फूड डायरीज। कम बैक। ओके, सो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने तेल में प्याज और लहसुन को सॉटे कर दिया था, इस तरह अच्छा सा हल्का सा ये हो जाए इसका रंग। तो आप इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब सारे मसाले जाएंगे और ये अनारदाना जाएगा, ड्राई पोमेग्रेनेट सीड्स जो होते हैं वो। फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, 2 से 3 टमाटरों का प्यूरे कर दीजिएगा। अब सारे मसाले जाएंगे, उप्स, हल्दी है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, साबुत जीरा है, और मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूंगी। ये सारी चीज़ें चली गई, और ऑफ कोर्स नमक, जो फिर मैं बाद में भूल नहीं जाऊं। पालक इज़ आल्सो वेरी सॉल्टी, तो बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा, और इसको आप सॉटे कर दीजिए। एक कॉलर है जी मुल्तान से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं जनाब आप? मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी, आप सुनाएं। मैं ठीक, आप बहुत अच्छा शो करती हैं, मैं आपकी रेसिपी बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। इसी तरह देखते रहिएगा रेसिपी। जवाब दूंगी, पालक गोश्त, पकौड़े आलू, पालक आलू, और दाल पालक, पालक पनीर, कीमा पालक। ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। इसको अच्छी तरह सॉटे करिएगा, पानी डालने की अभी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पालक को जब मैंने ब्लेंड किया था तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऑलरेडी शामिल कर दिया था। ठीक है, कुछ लोगों को पालक पूरी ब्लेंड की हुई अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों को डंडियाँ नज़र आती हैं वो अच्छी नहीं लगती। अब आपके घर में जिस तरह भी खा रहे हों उस तरह कर लीजिएगा। मैं तो जब भी पालक पनीर भी बनाती हूँ उस तरह ब्लेंड ही कर देती हूँ। और ये लोबिया, लाल लोबिया, रेड किडनी बीन्स, ठीक है जी। अब मैं आँच इसकी हल्की कर दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, केक की तरफ चलते हैं, ओवन की तरफ। ये देखें, अच्छा सा राइज हुआ है, बीच में हम स्कूअर डाल के देख लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल साफ स्कूअर निकला है, तो इसका मतलब है कि बस 2 मिनट बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। यहाँ से हम चीज़ें उठा लेते हैं और आपसे बात भी करते हैं, और आपसे बात करते हैं तो हमेशा हम आपको कुछ ना कुछ अच्छी कोई नसीहत देते हैं, कोई अच्छी सी बात करते हैं, तो आपके ही फ़ायदे के लिए होती है, आपके बच्चों के फ़ायदे के लिए होती है, हमारे मुल्क के फ़ायदे के लिए होती है, राइट। सो इस दफ़ा हम बात कर रहे हैं पोलियो की, और पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है, लाइलाज मर्ज़ है, जो बार बार हमारे मुल्क में इट कीप्स कमिंग बैक। दुनिया से ख़त्म हो गया था, वापस कुछ मुल्कों में आ गया है, बिकॉज लोग डर रहे हैं वैक्सीन देने, पोलियो के कतरे पिलाने बच्चों को। सो प्लीज़ ऐसे नहीं करें, जब पोलियो वर्कर्स आपके घर पे आएँ उनके साथ तआवुन करिए और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाइए, ताकि ये मर्ज़ ख़त्म हो जाए, दुनिया से इरेडिकेट हो जाए। अगर आप लोग सब तआवुन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो ही ये होगा। सो एक दफ़ा अगर गॉड फॉरबिड किसी के बच्चों को पोलियो हो जाता है, हाथों में भी होता है, पैरों में भी होता है, सो पूरी ज़िंदगी के लिए वो इस तरह अपाहज, वाई डू इट ना। अच्छा, ये होने दीजिएगा, आँच में इसकी हल्की कर देती हूँ। गणेश मैंने फ्रिज में रख दिया था। एक कॉलर है जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी, आप सुनाएं।
जी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी रेसिपी आज भी आप बना रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखिएगा, ट्राई करिएगा। जी जी माशाल्लाह, मैं काफी चीजें आपकी ट्राई करती हूँ, अच्छी बनती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। आज के सवाल का जवाब भी देना है। जी जी जी, पालक पनीर, पालक पकौड़े, पालक के कोफ्ते, पालक आलू पालक, पालक गोश्त, पालक कीमा, पालक दाल। ठीक है, ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अच्छा, अब इसको, बिकॉज पालक तो पकी हुई थी और लोबिया जो थे, लाल लोबिया, रेड किडनी बीन्स, वो भी मैंने टिन में से निकाले थे, बिकॉज बहुत दफ़ा मैं भी आप लोगों की तरह लेके आती हूँ घर कच्चे वाले लोबिये और ट्राई करती हूँ कि वो पतीली में पके नहीं पकते हैं, प्रेशर कुकर में पकाऊँ नहीं पकते हैं, फिर क्या होता है, फिर टिन ही इस्तेमाल करना पड़ता है। वन ऑफ द थिंग्स जो मैं टिन की इस्तेमाल करती हूँ वो ये है, वरना तो मैं हर चीज़ घर ला के खुद स्क्रैच से बनाती हूँ। लेकिन ये लाल लोबिया पता नहीं किस मर्ज की दवा है, पकता ही नहीं है, पता नहीं क्या है। किसी को कोई टोटका पता हो तो मेरे साथ भी शेयर करिएगा, बिकॉज़ मुझे भी नहीं पता है कि किस तरह इसको पकाते हैं। बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा ही रहता है जितनी दफ़ा भी आप पकाओ। सो देखें, दिस इज़ डन। अब एंड में मुझे क्या डालना है, मुझे इसमें एंड में आमचूर पाउडर यानी खटाई पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर ये डालना है, और थोड़े से अदरक के लंबाई में कटे हुए इस तरह के टुकड़े हम डालेंगे, दम पे इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, और फिर हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। और केक को भी मैं निकाल देती हूँ। अब इस केक को मुझे तो ठंडा करना है, जाली पे हम रख के ठंडा करेंगे, इसके बाद इसको हम ये पूरा जो गनाश है वो ऊपर लगाएंगे। अब ये याद रखिएगा कि अगर आप किसी टिन में कर रहे हैं, किसी शेप में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको टिन में से निकालने के लिए आपको टाइम चाहिए। सो एक आध घंटा आप उसको जाली पे ठंडा करिए, फिर आप उसको रखिए, उल्टा कर दीजिए और टिन में से निकाल दीजिए, फिर उसको अच्छी तरह ठंडा करिए, उसका पेपर निकालिए, और फिर उसके ऊपर आप गनाश डालेंगे, ठीक है। सो वील हैव टू वेट, जब तक टाइम है हम वेट कर लेंगे और हम फिर रिकैप भी कर लेंगे। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो, हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? धरना कापी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी, फरमाइए। बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, आज आप बताया बनानी ना राजमा पालक। जी ट्राई करिएगा, बहुत जबरदस्त। जी जी, और आज का कोई सवाल है जी? पालक से बनने वाले रेसिपीज के नाम बताइए। आलू पालक है, पालक गोश्त है, दाल पालक है, पालक के पकौड़े हैं। ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, और कुछ कहना है? बस बस, ओके, थैंक यू। चलिए इसको हम डिश में निकालते हैं। और फिर इसके ऊपर कलर नहीं चेंज हो जाए, ठीक है, पालक का जितना रख सकें आप ग्रीन। और अगर आपके घर में पालक बहुत खाई जाती है, पसंद आप लोगों को है, सीज़न में जब हो तो ला के उसको इस तरह, जिस तरह मैंने आपको जिक्र करके दिखाया था, पानी में नहीं डालिएगा, ठीक है, इसको बॉयल नहीं करिएगा, इसको ब्लांच कर दीजिएगा, गर्म पानी में डाल के निकाल दीजिए, या फिर उसी के पानी में पकाइए। मैं हमेशा वही करती हूँ, पालक धो के उसी के पानी में उसमें डाल दीजिए, ढक्कन ढाँक दीजिए, 2 मिनट बाद निकाल दीजिए, पूरा सूख जाएगा। उस निकाल के उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके छोटे डब्बे बना के फ्रीज़र में रख दीजिए, वो भी कर सकते हैं। पालक पनीर बना लें, जो भी फिर बनाना हो तो फिर पालक आपके पास रेडी हो। चलिए दिस इज डन, किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करिए, और इसके ऊपर बस हम लंबाई में कटी हुई अदरक रख देंगे, और अब ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, केक भी हमारा थोड़ा सा और ठंडा होगा, उसके बाद फिर हम उसको आइस करेंगे। सो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फूड डायरीज। कम बैक, देखें ये गनाश बिल्कुल ठंडी हो गई है, लेकिन केक ऑफ कोर्स वार्म है, लेकिन हमें ये करके आपको दिखाना है। सो आई वांटेड टू डू दिस, इसको स्प्रेड कर दीजिएगा एंड्स तक, इसीलिए इस तरह मैं शो में इस तरह के बर्तनों में करती हूँ खुला, ताकि जल्दी बेक हो जाए। अगर आपके पास भी टाइम नहीं हो और आपको भी मेरी तरह जल्दी जल्दी बेकिंग करनी है, तो फिर आप भी इसी तरह करिएगा।
ठीक है। अब हर चीज़ के ऊपर कोई डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है, बस इसको ठंडा होने दीजिएगा और फिर इसको काट के खाइएगा। मज़ेदार सा चॉकलेट और कॉफ़ी का बनाना केक है ये, कॉफ़ी के फ्रॉस्टिंग के साथ। एक कॉलर हैं, वेट कर रहे हैं, उनसे बात कर देते हैं। हेलो हेलो, अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, केक तो बड़े मज़े का है, बंदा फोन खा लें प्यार बैठे आ जाए जी, प्यारा बंदा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ट्राई करिएगा जी। साग पनीर, बढ़िया साग, गोश्त साग, आलू साग, पालक जो है बढ़िया साग। बढ़िया भी गलती है ना, क्या पालक का साग, चल मूंग की दाल की, अच्छा बढ़िया, ओके वो डालते हैं। ओके ओके ठीक है, मैं समझी बढ़िया जी, मैं समझी बढ़िया, जबरदस्त वाला बढ़िया बढ़िया बनाते हैं ना हम, ठीक है ओके, तो वो डालते हैं, बहुत मजे की बनती है। ओके ठीक है, थैंक यू। और कुछ कहना है? बस बस, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, कहती रोज मेरी कार मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपसे बात हो जाए जी हो जाती है, देखें इट्स योर लक, आज लग गई कॉल। ओके थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मैंने क्या किया था, पालक ली थी, बड़ी कट्ठी ली थी, बहुत सारे पालक के पत्ते अच्छे भी आजकल नहीं आ रहे हैं, बिकॉज सीज़न में नहीं है। उसको काट लीजिएगा अच्छी तरह, उसकी डंडियाँ अलग कर दीजिएगा, धो दीजिएगा बहुत अच्छे तरह, पालक में बहुत मिट्टी होती है, कभी कभार कीड़े वगैरह होते हैं, सो बी केयरफुल, ठीक है। और फिर उसके बाद आप उसी के पानी में एक बड़ा पतीला लीजिएगा, उसमें पूरे पालक के पत्ते डाल दीजिएगा, इतने सारे होंगे उस वक्त, लेकिन जब आप बंद करेंगे उसको ढक्कन को और दो मिनट बस पकाएंगे उसी के पानी में, वो ब्लांच जाएंगे, गर्म भाप में ही पक जाएंगे, ठीक है, इतने से सिर्फ हो जाएंगे। फिर उसको डाल दीजिएगा ब्लेंडर में और थोड़ा सा पानी के साथ ब्लेंड कर दीजिएगा, कलर नहीं तब्दील हुआ था आप देखिएगा। किडनी बीन्स मैं अभी बोल ही रही थी, तो मेरे जो हेल्पर हैं शर्जील, वो कश्मीर से हैं, तो उन्होंने मुझे एडवाइस की कि आप नेक्स्ट टाइम ना पूरी रात भर भिगो के रख दीजिएगा जो लाल वाले लोबिया होती है, रेड किडनी बीन्स, और फिर उसको सोडा के बगैर बॉयल करिएगा। अब इतना पेशेंस नहीं है मेरे में कि मैं करूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम चले उनको याद करके मैं ट्राई करूंगी। लेकिन मैंने तो ये टिन यूज़ कर दिया था आज, जो मैं आपके सामने मैंने लिया था वो बॉयल किया हुआ टिन वाला था, ठीक है, इसीलिए इतनी जल्दी ये रेसिपी बन गई। एक और कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं फिर रिकैप करेंगे। जी हेलो जी, हेलो सलामिकुम जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आप सुनाएं। बड़े मजे मजे के खाने बना रही हैं आप, थैंक यू, ट्राई करिएगा। बात कर रही हूँ जी जी, मैंने आपकी आवाज पहचान ली थी। मैं आपको बताऊंगी जी, इस्पन चिकन किमनी बोटी, इस्पन फ्राई, पालक गोश, पालक चिकन, पालक चिकन, पालक पनीर, चने की दाल पालक, बस मैंने आपकी बनाई रेसिपी का नाम भी लिया है। थैंक यू जी, नोट कर दिया है। इस्पन चिकन केमिनी वो थी अभी बनाई थी आपने। ओके और इस्पन फ्राई भी, स्पिनच कैनेलोनी आपने ट्राई की थी? मुझे आपसे मैं मिलाती रहती हूँ, आपका नंबर मिलाती रहती हूँ, मिल जाए इसकी मेरी ख्वाहिश होती है आपसे बात करने की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माशाल्लाह सारी रेसिपी में अब ये थोड़ी सी केक की रह गई, वो नोट करूंगी। केक क्या करूँ जी? जी जी माशाल्लाह सारी रेसिपी आपकी सही जा रही है, बहुत जबरदस्त। ओके बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ओके जी, सो मैंने सबसे पहले तेल गरम किया था, उसमें प्याज डाल दी थी, लहसुन, हरी मिर्चें, ड्राई पोमेग्रेनेट सीड्स यानी अनारदाना जो होता है वो आप कूट के डाल सकते हैं उसके अंदर, और लहसुन था, अदरक लंबाई में कटी हुई थी, प्याज चॉप किए हुए थे, टमाटर ब्लेंड कर दिए थे, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, आमचूर यानी ड्राई मैंगो पाउडर था, लाल मिर्चों का पाउडर था, ज़ीरा पाउडर, नमक और हल्दी थी, ठीक है। सो इस तरह पका लीजिएगा, बनाइएगा रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये ऊपर कॉफ़ी गनाश आइसिंग के लिए मैंने क्या किया था, चॉकलेट ली थी चॉप करके, एक सॉस पैन में डाल दिया था, क्रीम था, मक्खन था और कॉफ़ी पाउडर था, और जब स्मूथ हो जाए, ठंडा हो जाए तो गनाश को आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। केक के अंदर मैंने एक और एक तिहाई कप मैदा डाला था, एक चौथाई कप कोको पाउडर था, एक टीस्पून बेकिंग सोडा था, एक चौथाई टीस्पून नमक था, एक चौथाई टीस्पून पिसी हुई दालचीनी का पाउडर था, एक टीस्पून कॉफ़ी पाउडर में, एक टीस्पून जितना मैंने पानी डाला था, दो अदद अंडे थे, एक टीस्पून वनीला एसेंस था, एक से डेढ़ कप आप मैश्ड बनानाज लीजिएगा यानी तीन चार केले ले लीजिएगा, आधा कप क्रीम में आप चंद कतरे लेमन जूस के डालिएगा, आधा कप चॉकलेट चिप्स थे, आप इसमें कोई नट्स डालना चाहें तो बनानाज के साथ अखरोट बहुत अच्छे जाते हैं, आप चॉप करके वो भी डाल सकते हैं, एक कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी,
और आधा कप क्रीम जिसमें हमने लेमन डाल के इसको साफ क्रीम बना दिया था। सारी चीज़ों को मिक्स करके आप बेक कर दीजिएगा। और अब मैं लेती हूँ रेसिपी रिकैप। मेरे रिकैप करने के बावजूद भी अगर कुछ भी आपने मिस आउट कर दिया हो तो आप नोट करिएगा, देखिएगा, लिखिएगा अपनी डायरीज़ में, बनाइएगा और फिर हमें फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। सो क्विक ब्रेक। आज कौन जीता है ये गिफ्ट सैंडविच मेकर एनेक्स की तरफ से, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बनाना सिखाई हैं, इंक्लूडिंग केक और दही बड़े वगैरह, ठीक है। लज्जत में 5 बजे लाइव सुल्तानी दाल बनेगी, हैदराबादी वाइट चिकन कोरमा बनेगा और मैं कल बना रही हूँ फूड डायरीज़ में 3:30 बजे लाइव लेमन कॉर्डियल, लेमन का ड्रिंक है ये और फज ब्राउनीज़ हैं। और इसी तरह मैं मंडे को पीर को जिंजर कॉर्डियल बनाना सिखाऊंगी। जिंजर का एक ड्रिंक होता है, आप ट्राई करिएगा, देखिएगा, स्क्वाश टाइप, ठीक है। और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा मंडे टू फ्राइडे, पीर से जुमा आप देख सकते हैं हमारा शो दोपहर में 3:30 से 4:30, रात में 12 बजे शो रिपीट होता है। और कल जुमा है तो मैं अभी से याद दिलाती चलूँ कि कल 6 बजे आपने देखना है हायर का मेरा शो, जिसमें मैंने बहुत मज़े मज़े की नई नई रेसिपीज़ भी सिखाई हैं और अप्लायंसेज इनके कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी सिखाया। आप लोग पूछते हैं ना कैसे एयर फ्रायर, माइक्रोवेव, फला अवन, ये सब कुछ कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो देखिएगा कल वो शो शाम को 6 बजे, रात को 10 बजे वो रिपीट होगा। चलिए जी, आज हमने जो ये केक बनाया है इसका फ्रॉस्टिंग जब सेट हो जाएगा तो आप क्यूब्स में, स्क्वायर्स में, बार्स में इसको काट के सर्व कर सकते हैं। और मैंने ये जो पालक राजमा बनाया है वो भी ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा, कड़क गरम गरम पराठे के साथ खाइएगा। चलिए अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।